दोस्तों आज के समय में कई चौंकाने वाली चीजें होती रहती हैं। अब ऐसा ही कुछ एक बार फिर हुआ है। दरअसल तुर्की में एक अजीबो गरीब बकरी पैदा हुई है और इस समय यह बकरी चर्चा का हिस्सा बनी हुई है। इस बकरी की आंखें खोपड़ी के बीच में है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। इस अजीबो गरीब बकरी को देख के उसका मालिक भी हैरान है। वहीं बकरी के मालिक का कहना है वह बीते 25 सालों से जानवर पाल रहा है, लेकिन उसने कभी भी ऐसा जानवर नहीं देखा जिसकी आंखें सर के बीचों बीच हों। दूसरी तरफ एक मशहूर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार बकरी पालने वाले ने बताया कि जब उसे पता चला कि एक बकरी पैदा हुई है तो वह मौके पर पहुंचा। हालांकि इस दौरान वह बकरी को देख के हैरान रह गया। कहा जाता है कि उसने देखा कि बकरी के खोपड़ी के बीचों बीच आंखें हैं। वहीं उसने बताया कि बकरी को देखने के बाद उसे ऐसा लगा कि वे साइक्लोप को देख रहा है, जिसे ग्रीक की पौराणिक गाथाओं में एक भयानक जानवर बताया गया है। आप सभी को बता दें कि बकरी पालने वाले ने बताया है कि जो भी इस अजीबोगरीब बकरी को देखता है वह हैरान रह जाता है। वहीं आगे उसने कहा कि वह इस अजीबोगरीब बकरी को नहीं पाल सकता, वह चाहता है कि अधिकारी इस बकरी को ले जाए और पाले। वहीं दूसरी तरफ हताया मुस्ताफ कमाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अहमद ने कहा है कि सिबोसेफिलिस की वजह से बकरी की खोपड़ी की आंखें बीचों बीच में हैं। चिकित्सा विसंगति के कारण उसकी दोनों आंखें बिल्कुल एक में ही मिल गई हैं। आगे उन्होंने कहा कि सिबोसेफिलिस की प्रत्येक आंख अलग अलग अक्षीय साकेत में नहीं होती है। ऐसे मामले में नाक में भी एक बदलाव होता है। नाक चपटी होती है और नथुने एक ही होते हैं। इसमें कान भी बकरी के जानवर की तरह ही सामान्य नहीं होते हैं। इसके अलावा निचला जबड़ा अपेक्षाकृत बड़ा होता है। सिबोसेफिलिस की चिकित्सा विसंगति इंसानों और जानवर दोनों में हो सकती है।